सीएम गहलोत ने मंगलवार को पुष्कर के गुर्जर भवन में अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम पुष्कर में हेलीपैड से सीधे सभास्थल गुर्जर भवन पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। खराब मौसम के बावजूद पुष्कर सभास्थल पहुंचे गहलोत ने रिजू झुंझुनवाला के पक्ष में वोट देने की अपील की। गहलोत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जुमलेबाजों की सरकार है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। पायलट ने भाजपा सरकार को घेरते हुए इसे हर क्षेत्र में विफल करार दिया है। चुनावी सभा के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, पूर्व चिकित्सा मंत्री नसीम अख्तर, इंसाफ एवं ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कुरडिया सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आते कहा कि दवाएं जो हार्ट की बीमारी होती है, किडनी की होती है, कैंसर होता है, वो दवाएं बहुत महंगी होती है, घर पर हो जाता है, इलाज करवाते करवाते। हमने कहा है कि तीनों दवाएं, कैंसर की, हार्ट की और किडनी दवाएं फ्री मिलेगी आपको, इस प्रकार से कई फैसले हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि 6,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, गरीब लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, उन सबको मिलेगा 6,000 प्रति माह, 72,000 मिलेंगे एक साल के, जिससे कि वो अपने घर घर अच्छे नहीं चला सके। जब तो आप मार्केट में आता है तो मार्केट की इकोनॉमी मजबूत होती है, ये सोच करके किया गया है। किसान बजट अलग आएगा, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। पार्लियामेंट के अंदर किसानों के लिए अलग से बजट पेश करना बहुत बड़ा फैसला, पहले रेलवे का होता था।